हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस बात करने वाले कि कॉलर स्क्रीन पर अपना खुद का फोटो कैसे अप्लाई करें। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपना फोटो अप्लाई किया, किसी का भी कॉल आता है तो मेरा फोटो वहाँ पे शो होता है। तो अगर आप भी अपना फोटो अप्लाई करना चाहते हैं कॉलर स्क्रीन पर तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कॉलर स्क्रीन पर अपना फोटो अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम बता दूंगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद उसका सेटिंग बताता हूं कि आपको सेटिंग क्या करना पड़ेगा, कैसे अपने फोटो को वहां पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए मेरा, मैंने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। उसका फ्रेंड्स आपको देखिए साइड में एक एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे परमिशन एला मतलब आपको परमिशन दे देना है। उसका कुछ ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कीबोर्ड कितना स्टाइल में लग रहा है इस हमारे इस फोन डायलर का। उसका फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ रिसेंट में भी क्लिक कर आ सकते हैं, इस पर आप देख सकते हैं कौन फ़ोन किया है। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट में जाकर अपना किसी को भी कॉल करना तो कॉल कर सकते हो, कीपैड में क्लिक करके आप किसी नंबर को मतलब फ़ोन लगाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और सेटिंग पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करके आपको कुछ सेटिंग बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए स्लाइड टू आंसर का ऑप्शन मिलता है, मतलब किसी का भी कॉल आएगा तो स्लाइड टू आंसर जैसे आईफोन में रहता है वो फ़ोन रिसीव करने का ऑप्शन, बिल्कुल उस तरह का रहेगा। तो इसको आप ऑन कर दीजिए और कॉल बैक स्क्रीन इसको भी ऑन कर दीजिए, इसको आप बैक आना है। अब फ्रेंड्स बैक आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको देखिए चेंज वॉलपेपर के एक ऑप्शन मिलते हैं, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ग्रांट परमिशन का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने फ्रेंड्स आपको अलाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसका फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको देखिए नीचे सही का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए बैक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको फिर से चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 8 होगा तो हम 8 को वॉच कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है। तो यहाँ देखिए 8 खत्म हो गया तो मैं 8 को कट कर देता हूँ। 8 को कट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपके सभी फोटोज मतलब आ जाते हैं। और फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में जो फोटो रहता है उस फोटो को आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपको बहुत अच्छे अच्छे फोटो मिलते हैं, इसमें से आप कोई अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अगर अपना फोटो अप्लाई करना है तो आपको देखिए चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सभी फोटो शो होने लगेंगे, तो आप जिस फोटो को अप्लाई करना चाहते हो उस फोटो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं देखिए अपना फोटो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अपने फोटो में क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बैक बटन पर क्लिक करना पड़ेगा तो आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप जितना क्रॉप करना चाहते हो उतना फोटो को यहाँ पे आप क्रॉप कर लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो को क्रॉप करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सही वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल रहा है, तो फोन आएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलने वाला है। और आपको देखिए जो ऊपर अनेबल ब्लर वॉलपेपर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके आप इसको ब्लर कर सकते हो अपने फोटो को। तो ब्लर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ये आपका सेटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेटिंग वॉलपेपर हो रहा है, यानी आपका मतलब सेटिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद मैं फ़ोन लगा के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं फ़ोन लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल लगाया है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिला और आपको यहाँ देखिए स्लाइड टू आंसर जैसे आईफोन में रहता है बिल्कुल इस तरह का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन बहुत ही मस्त है, तो यार एप्लीकेशन को एक बार जरूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको वहाँ डालना होगा आई कॉल स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए आई कॉल स्क्रीन, अब जैसे ही प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट रैंक पे ही एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, बिल्कुल भी फेक एप्लीकेशन नहीं है, 100% वर्क करता है। आपके किसी आपका कोई भी फोन हो सभी में वर्क करने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।